नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और 24 घंटे 24 हेडलाइन के साथ मैं हूं अंजनी कुमार सिंह। दिन भर की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। बदले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को प्राथमिकता देने का मन बना रहे हैं और साथ ही सुरक्षा मामलों की समिति में भी बदलाव संभव है और सीसीएस देश की सुरक्षा और सामरिक मामलों में निर्णय लेती है। इस समय सीसीएस में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे मंत्री शामिल हैं। विशेष परिस्थिति में सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी सीसीएस बैठक में शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता ने इस पर कहा है कि मैं अन्य मुख्यमंत्रियों से भी बात की है, क्योंकि ये एक औपचारिक कार्यक्रम, इसलिए इसमें भाग लेने के बारे में हमने सोचा है। ममता ने कहा कि हाँ, मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगी। इसके पहले रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने घनिष्ठ लोगों से बोला था कि पता करें कि इस कार्यक्रम में कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री जा रहे हैं और इस बड़े प्रोग्राम में सबके साथ मुलाकात होती है। সবাই মিলে আমরা যেন করেছি যে এটা যেহেতু ফর্মাল সেরিমোনিয়াল প্রোগ্রাম এবং আমরা চেষ্টা করবো এটি করার, যেহেতু আজকে এসছে একটু বাথরুমে খেয়ে কালকে একটা দিন টাইম আছে, কালকে বলতে কি পৌঁছতে হবে, কাল পরশু চারটে থেকে পৌঁছে আসবো। इस बीच टीएमसी के तीन विधायकों और कई पार्षदों ने बीजेपी में शामिल हो लिया और इसके बाद यहां पर तनाव और बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बीजेपी की आक्रामकता बढ़ गई है और टीएमसी और ममता को चुनौती देने के मूड में पार्टी दिख रही है। कभी ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे मुकुल रॉय के नेतृत्व में बीजेपी टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश की और खबर यह है कि टीएमसी के 50 पार्षद इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों समेत 8 देशों के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें बिम्स्टेक भारत में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश में शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी से जुड़े होते हैं। इन देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। इसके अलावा भारत ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया है। हालांकि पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया, उसको बायकॉट किया गया। नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर बहुत अलग और दिलचस्प थी। पीएम मोदी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने हाथों से पीएम मोदी को कुछ खिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्या खिलाया इस बारे में ट्वीट में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उनके हाथ में टिश्यू है जिससे लग रहा है कि कुछ रसदार मिठाई खिलाई है प्रणब मुखर्जी ने। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने पर नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले नौकरियों के मोर्चे पर काम करेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सभी मंत्रालय और विभागों में खाली पड़े पदों और मौजूदा जरूरत को देखते हुए रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 75,000 पद ऐसे हैं जिनको तुरंत भरने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। वीर सावरकर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी वीर सावरकर की वीरता पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश ने सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला और अंग्रेजों के लिए जासूसी करने वाला बताया। इसके पहले भूपेश बघेल सरकार ने सावरकर की तुलना जिन्ना से की थी और महान गायिका लता मंगेशकर ने
लोगों से ट्वीट कर सावरकर की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। योगी सरकार ने गाजियाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के कई सौ करोड़ के रुपए की भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। इस संस्थान पर एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिवार का स्वामित्व है। उनके बेटे नकुलनाथ आईएमपी के प्रेसिडेंट हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता निगम पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का लगभग 10,840 वर्ग मीटर की जमीन पर आवंटन रद्द कर दिया है। आरजेडी ने अपनी समीक्षा बैठक के बाद 2019 लोकसभा चुनाव के जनादेश को षड्यंत्र बताया। समीक्षा बैठक में हार के लिए कारणों की चर्चा की गई और जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है जो हार पर समीक्षा करेगी। साथ ही जगदानंद और आलोक मेहता ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को पूरा भरोसा है और अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बिहार में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आरजेडी की समीक्षा बैठक में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे। समीक्षा बैठक में पहुंचने के बजाय उन्होंने अपने करीबी के माध्यम से लिफाफे में एक पत्र भेजा। पत्र में तेज प्रताप ने अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने पर पीड़ा जताई। उन्होंने कहा कि मैंने केवल दो सीट शिवहर और जहानाबाद की मांग की थी क्योंकि वहां स्थानीय उम्मीदवार की मांग थी। मैंने बार बार आपको इर्द गिर्द के लोगों से सावधान रहने को कहा था। हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए जिन्होंने टिकट दिया और जो चुनाव लड़े थे। मैंने जो मांग की पार्टी के हित में सलाह दी मेरी एक भी नहीं सुनी गई। पत्र में तेज प्रताप ने कविता के जरिए अपने मन की भाव को भी व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद काफी उथल पुथल मची है। बीच बीच में खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने को लेकर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक अब जो खबर आ रही है, राहुल गांधी अपना विकल्प खोजने को कहा था। राहुल ने कहा है कि एक महीने के भीतर उनका विकल्प खोज लिया जाए। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी उनकी जगह पर अध्यक्ष नहीं हो सकती, उन्होंने ये जिम्मेदारी न दी जाए। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बना चुके हैं, हालांकि अब वो शर्तों के साथ मान गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय तो राहुल अहंकार में थे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को अगर त्याग पत्र देना है तो वो एक बार में दे, ड्रामा ना करें। ना चाहिए था कि आज जो कर रहे हो चुनाव से पहले ही 21 पार्टियों को समान विचारों पर इकट्ठा नहीं कर पाए, तब तो आप बड़ा अहंकार में थे। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गए थे लेकिन कहीं किसी को एक उंगली रखने की जगह नहीं देना चाहते थे। महाराष्ट्र में आप किसी से बात नहीं करना चाहते थे, तो आप कहाँ ले जाना चाह रहे थे देश को? वो तो आप जीत गए तमिलनाडु में डीएमके के सहारे, जिसके नेताओं को आपने जेल भेजा था, उन्हीं की कृपा से जीत गए। तो कभी सोचोगे कि आप क्या कर रहे हो? आपने तो अपने परिवार का वो आखिरी कार्ड भी फेंक दिया प्रियंका गांधी, और अब आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। सोनिया जी को अध्यक्ष बना दीजिए, प्रियंका जी को अध्यक्ष बना दीजिए। ये ड्रामा मत कीजिएगा कि हम चुनाव अब नहीं 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 हम फिर वापस लेने, जनता की दबाव पर कांग्रेस के हम जो है अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। ये ड्रामा आप पहले भी उपाध्यक्ष थे तब भी कर चुके। 2019 में प्रचंड विजय के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ में और कैबिनेट की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे को लेकर पेशकश किया था और इस पर सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए बल्कि पद पर रहकर साबित करना चाहिए कि वो ऐसा कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। He should not resign. Actually, he stood up firmly. He stood by, and he should prove that actually he can in see democracy. I mean, the ruling party, it is important. At the same time, the opposition party is also very important. कहते हैं ईश्वर आपकी मनचाही मुराद पूरी कर दे तो इंसान भगवान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राहुल गांधी को अमेठी में हराने के बाद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने नंगे पैर 14 किलोमीटर चलकर सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना किया। इस दौरान उनके साथ पुराने दोस्त निर्माता एकता कपूर भी नजर आई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की यह पहली बैठक और बैठक लोकभवन में हुई। बैठक में स्थानांतरण नीति की समय सीमा बढ़ाने के समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में केंद्र में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा चुनाव के दौरान ड्यूटी में कार्य कर रहे अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया गया। कुल 7 बिंदुओं पर आज बैठक में चर्चा की गई। गोवंश संरक्षण नियमावली को मंजूरी मिली। स्थानांतरण अवधि 30 जून तक बढ़ाने पर प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा बैठक में गन्ना अधिनियम 1953 की धारा 18 में संशोधन का प्रस्ताव उसको मंजूरी मिली। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। राजू श्रीवास्तव ने जिस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया वो खुद को समाजवादी पार्टी यूजन सभा का पदाधिकारी बताता है और आपको बता दें कि मामला 6 साल पुराना है। राहुल 3 माह से राजू श्रीवास्तव को फोन कर परेशान कर रहा था। शुरुआत में तो राजू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और 10 लाख रुपए की मांग की तो डीजीपी से शिकायत की। राजू श्रीवास्तव ने राहुल से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। राजू यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से सांसद चुने गए गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव का समर्थन किया। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण पर शक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। चीन में 1979 में कानून का हवाला देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के कारण ही चीन आज ऊंचाई पर पहुंचा है। जनसंख्या के चलते जमीन की कमी है और हवा दूषित हो गई है, पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या का सामाजिक समरसता पर भी असर हो रहा है। विकास और सामाजिक समरसता के लिए बढ़ती जनसंख्या खतरा है। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव को धन्यवाद दिया है। बिहार में 7 जून को विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी राधामोहन शर्मा का नाम फाइनल कर दिया। राधामोहन शर्मा बिहार में जहानाबाद के रहने वाले हैं और बिहार बीजेपी प्रदेश महामंत्री भी हैं। इसी के साथ सीमांचल के सभी लोकसभा क्षेत्र के साथ भागलपुर लोकसभा क्षेत्र भी देख रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एबीवीपी में करने वाले राधामोहन शर्मा एक बेहतर रणनीतिकार भी हैं और दूसरी सीट जेडीयू के संजय झा के नाम तय की गई है। गुजरात विधायक और ठाकुर सेना के प्रमुख अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने की सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चुनाव के पहले मंत्री कौन कौन बनेगा ये तय हो जाता है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर तारीफ की और कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अल्पेश ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। अब कुछ समय से उनकी बातचीत बीजेपी नेताओं से हो रही, उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पार्टी का संगठन है और पार्टी जिस तरह से चल रही है, मैं ये मानता हूँ कि वो लोगों की नक्श को टटोलने में कहीं नाकाम रहे, वो ये समझने में ही नाकाम रहे कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरा ये कि इनके मुद्दों को लेके, उनके इश्यूज को लेके लड़ने में भी नाकाम है। वो सिर्फ दिखावा और सिर्फ 2-4 लोगों को लेके प्रेस आउट कर देना, उससे ही संतोष मान रहे ये लोग। चुनाव आयोग ने चुनाव अभियानों के दौरान आयकर विभाग के छापेमारी में जब्त नकदी सीबीआई जांच के लिए कहा था। सूत्रों की माने तो जब्त किए गए पैसे से लोकसभा चुनाव में 11 कांग्रेस उम्मीदवारों को मदद की जानी थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल को लिखे एक पत्र में सीबीआई जांच को कहा था। और आपको बता दें कि एमपी में मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी और रिश्तेदारों के यहाँ आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और करोड़ों रुपए जब्त किए थे। भोपाल, इंदौर, नोएडा, दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और कैश मिला था भारी मात्रा में। यूपी में बाराबंकी के रामनगर थाना इलाके में रानीगंज कस्बे में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। घटना में 9 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 7 की गंभीर अवस्था को देखते हुए सीएससी सूरतगंज से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वहीं इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव आबकारी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर फौरन कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 5 सिपाही और 1 आबकारी इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने इंस्पेक्टर रामनगर राजेश सिंह और सीओ रामनगर पवन गौतम को सस्पेंड कर दिया और इसी के साथ आईजी फैजाबाद को फौरन मौके पर पहुंचने को कहा।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में पुलिस थाने में महिला को बेल्ट से पीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी महिला को बेल्ट से पीटते देख रहे हैं आप। और महिला की बेल्ट से पिटाई किए जाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो एसपीओ हरपाल और दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन अभी और लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। इस मामले में कुल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस घटना ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल या निशान लगाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या खट्टर राज्य में महिलाएं थाने में भी सुरक्षित नहीं है। मैंने वीडियो में उस वीडियो की हम जांच करवा रहे हैं और साथ में जो भी पुलिसकर्मी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, गलत है ये, जैसे पिक्चर दिखाई दे रहा है ये गलत है। इससे में दो दो पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई जांच करना अनुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और जानकारी के मुताबिक झारखंड में सीआरपीएफ के काफिले पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया जिसमें 15 जवान घायल हो गए। घटना के बारे में जानकारी मिली उसके मुताबिक नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर अंधाधुंध फायरिंग की। ये मामला उस वक्त हुआ जब सरायकेला कुचाई इलाके में 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की टुकड़ी स्पेशल ऑपरेशन को कर रही थी, जिसमें कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस के 15 जवान घायल हो गए। इस घटना में घायल हुए जवान को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए रांची लाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी हिजबुल के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बता दें कि आतंकवादियों के खिलाफ इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा 19 राष्ट्रीय राइफल सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से शामिल थे। इलाके में चारों तरफ घेराबंदी कर घरों की तलाशी की जा रही है। हिजबुल के दो आतंकी अभी भी इलाके में मौजूद हैं।